2024 लोकसभा चुनाव के छठे फेज में शनिवार यानी कि 25 मई को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 58 सीटों पर वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे फेज में चुनाव होना था लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यहां छठे फेज में वोटिंग हो रही है। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा 40, बसपा 4, बीजेडी 4, सपा 1, जेडीयू 3, टीएमसी 3, एलजेपी 1, आजसू 1 सीट जीती थी और कांग्रेस को और आप अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह मैदान में हैं। 3 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर और जगदम्बिका पाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बासुबी स्वराज, संबित पात्रा, राजबब्बर, निरहुआ भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर काफी दिनों पहले से ही हमारी तैयारी शुरू हो गई थी। जैसे ही MCC लगा था तो उसके बाद ECI की जैसी जैसी गाइडलाइंस थी उसके तहत हमने उचित कार्रवाई की थी। उसके अलावा कंटिन्यूसली हम लोग एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इसमें हम काफ़ी सारी CAPF की भी मदद ले रहे हैं। कंटिन्यूसली अभी कुछ दिनों से ब्रीफिंग्स हो रही है सबको। एक लार्ज स्केल पे भी ब्रीफिंग दी गई है प्लस उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के स्पेसिफिक भी मतलब माइन्यूट लेवल पे ग्राउंड लेवल पे ब्रीफिंग्स हुई हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी सेफगार्ड मेजर्स हैं जैसे कि इंटर स्टेट नाकाज हो गए, QRTs हो गई, फ्लाइंग स्क्वाड्स, SSTs वगैरह सब अपने अपना काम कर रहे हैं एंड हमारी कोशिश यही रहेगी कि लोकसभा चुनाव शांति से और अच्छे से निकल जाए।